आप सभी का स्वागत है देखे और सीखे द नीटिंग चैनल में। तो मैं सबके लिए बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी चीज लेके आई। यहाँ पे बस मैं 6 मोतियों से बनाऊंगी इसे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सुई ले लेंगे जो हमारी ये मोतियों के अंदर चली जाए, ठीक है, ताकि हम इसके अंदर डाल सकें। तो मैंने यहाँ पे ऊन पहले डाल लिया हुआ इसमें। अब यहाँ पे 6 मोती को इसके अंदर डाल लेते हैं। पहले एक एक करके सारे मोती को डालूंगी मैं। इस तरह से एक डाला हमने, दो हो गई, तीन, चार, पांच और ये 6, ठीक है, इस तरह से दिया हमने। अब यहाँ पे इस सुई को इस तरह से निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए 6 मोती को हमने इस तरह से डाल लिया। अब यहाँ पे इस तरह से गांठ लगा लेंगे। पहले इस तरह से टाइट करके मैंने यहाँ पे गांठ लगा लिया, ठीक है, और यहाँ पे फिर से गांठ लगाएंगे ताकि ये मजबूती आ जाए इसमें और ये खुले ना। तो इस तरह से लेंगे, एक दो गांठ लगा लिए हमने इसको मजबूती से। चाहे तो एक गांठ और लगा लेती हूँ मैं इसमें, उसके बाद इस धागे को कट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से एक रिंग बना के तैयार कर लेना। अब यहाँ पर पहले मैं धागे को कट कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आगे क्या करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम क्रोशे नंबर 3 mm ले लेंगे। आप इस जगह पे 4 mm भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसके बीच में डालेंगे मोतियों के बीच में, और यहाँ पे इस धागे को खींचते हुए इसके अंदर से निकाल लेंगे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे चेन बनाएंगे हम, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 चेन लेने के बाद दूसरी वाली जो मोती है इसके बीच में यहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ इसे ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से लिया दूसरे मोती की, हल्का सा मोती को जब आप इस तरह से बनाएं तो हल्का सा ढीला छोड़ दें, ठीक है, ताकि यहाँ पे हम जब सिंगल क्रोशिया करें तो आराम से इसमें बन सके। फिर लेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 चेन लेने के बाद फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे दो मोतियों के बीच में। इस तरह से लिए, फिर लेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 चेन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, ठीक है। 6 मोती है तो 6 बार। अब देखिए यहाँ पे 5 चेन बना लिया। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस जगह पे लेंगे, और सॉरी यहाँ पे लेना, इसलिए मैंने कहा कि जब आप मोतियों को इस तरह से बांधे तो हल्का सा यहाँ पे ढीला छोड़े, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया आराम से कर सकेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। इस धागे को बाद में हम कट कर लेंगे। अब जो पहले हमने 5 चेन बनाई थी इस जगह पे लेंगे और सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे हम बांध लेंगे। अब यहाँ से चेन बनाएंगे हम, 1, 2, 3 और ये 4। 4 चेन बनाने के बाद क्रोशिया पे 2 बार धागा लेना है, 1 और ये 2 इस जगह पे डालेंगे और 2-2 फंदे करते हुए निकालेंगे। 1 बार निकाला, दूसरी बार और ये 3री बार, ठीक है। तीसरी बार हमने फंदे को निकाल लिया। अब क्रोशिया पे हल्का सा ऐसे लूज करेंगे धागे को, लिया इस तरह से, 1 बार लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार और ये 7वीं बार, यानी कि 7 टाइम आपको यहाँ से फंदे निकालने हैं, ठीक है। अब इस तरह से निकालने के बाद देखिए, अब 2-2 फंदे करते हम यहाँ पे निकालेंगे। इस तरह से लिया, देख, इस तरह से लेने के बाद हम यहाँ पे 2 फंदा लेंगे एक साथ। इस तरह से 1 बार किया हमने, ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार और लास्ट में 3 फंदे लेंगे, ये 7वीं बार, ठीक है। 7 बार में फंदों को हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पे चेन लेंगे हम, 1, 2 और ये 3। 3 चेन लेने के बाद देखिए, 3 चेन लेने के बाद जो पहला हमारे ये दिख रहा है, जो देखिए ये उभरा सा, यहाँ पे लेंगे और इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 स्लिप स्टिच हो गई, फिर इसे उठाएंगे, देखिए ये वाला धागा जो दिख रहा है आपको, ये 2 स्लिप स्टिच हो गई, फिर इसे उठाएंगे, ये 3री हो गई, फिर इसे लेंगे, 4थी स्लिप स्टिच हो गई, फिर इसे लेंगे, 5वीं स्टिच हो गई, इसे लेंगे, 6ठी स्लिप स्टिच और इसे लेंगे, 7वीं स्लिप स्टिच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 चेन लेते हुए इसी जगह पे सिंगल क्रोशिया के साथ इसे हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे इस जगह पे। अब दूसरी वाली जो हमने 5 चेन है, इस जगह तो हमने ज्वाइंट कर लिया इसे,
एक चेन लेने के बाद यहाँ से जो हमने 5 चेन ली हुई थी ना, यानी 5 चेन इस जगह पे ज्वाइंट करेंगे ऐसे, इस तरह से, ठीक है। अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं, यहाँ पे दूसरे वाले जो 5 चेन है इसमें आएंगे, यानी 5 चेन उसमें, पहले सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं, इसके बाद फिर 1 2 3 और ये 4, फिर से क्रोशिया पे 2 बार धागा लेंगे, 1 और ये 2 इस जगह पे डालेंगे, और यहाँ पे 2 2 फंदे करते हुए 3 बार निकालेंगे, 1 बार, दूसरी बार और ये 3री बार। धागे को हल्का सा लंबा करेंगे, ज़्यादा नहीं, देख सकते हो थोड़ा सा, ताकि क्रोशे में आराम से आ जा सके, ठीक है। इस तरह से क्रोशे पे धागा लेंगे और यहाँ से निकालेंगे, तो हम 1 काउंट करेंगे, ठीक है। फिर धागा लेंगे और यहाँ से फिर से फंदा लाएंगे, ये 2 हो गए, फिर से धागा लेंगे यहाँ डालेंगे, ये 3 हो गए, फिर से धागा लेंगे और निकालेंगे, 4 हो गई, फिर से धागा लेंगे यहाँ पे बुनेंगे, 5 हो गई, फिर से धागा लेंगे यहाँ से फंदा लाएंगे, 6 हो गए, फिर से धागा लेंगे यहाँ से निकालेंगे, ये हो गई 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 2 2 करते हुए फंदे को हम निकालेंगे, इस तरह से करते हुए 1 बार हो गई 2, इस तरह से करते हुए हम निकाल लेते सारे फंदों को, ठीक है। टोटल हमें 7 बार में फंदों को निकालना है, 7 बार में फंदे को हमने निकाल लिए। अब यहाँ पे चेन लेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे चेन लेंगे हम 1 2 और ये 3, 3 चेन लेने के बाद सबसे फर्स्ट वाली पे इस तरह से लेंगे और स्लिप करते हुए पहले चेन से निकालेंगे, 1 हो गई, फिर उसके दूसरी वाली में लेंगे ये 2, तीसरी वाली में इस तरह से 3 स्लिप स्टिच हो गई, 4 ये हो गई, 5 6 और ये 7, ठीक है। 1 चेन लेंगे हम यहाँ पे, और देखिए जहाँ हमारी चेन थी, जहाँ से स्टार्ट किया था, इस चेन में लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। फिर जो तीसरी वाली हमारी ये 5 चेन आएगी, इसके अंदर जाएंगे, फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, फिर लेंगे 1 2 3 और ये 4, फिर लेंगे 2 बार धागा, 1 और ये 2, इस तरह से, और यहाँ पे 2 2 करते हुए फंदे निकालेंगे, 1 बार, दूसरी बार और ये 3री बार। तो चलिए इसी तरह से कर लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब जहाँ से शुरुआत किया था इस जगह पे लेंगे और 1 स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से पीछे जाते हुए इस धागे को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए बस इस तरह से एक नए तरीके से आप यहाँ पे एक फ्लावर बना सकते हैं। इस फ्लावर को बेबी हेयरबैंड पे लगा सकते हैं, बेबी जो आप फ्रॉक बना रहे हैं उसमें लगा सकते हैं, या फिर प्लेन फ्रॉक बनाने के बाद यहाँ पे इस तरह से चारों तरफ से फ्रॉक में इसे चिपका भी सकती हैं। तो बहुत ही प्यारा सर खूबसूरत सा एक हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ, थैंक यू।